निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने गुज्जर प्रदेश को कुचेलो के नाम से उल्लेख किया है? अभी गुज्जर प्रदेश का जो नाम है कुचेलो, वो किसके द्वारा उल्लेख किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हैंगसोंग, बी ऑप्शन है फायान, सी है इत्सिंग और डी है सयुंग। ये जो सभी यात्री हैं ये विदेशी है तो यात्री, लेकिन क्या है, ये विदेशी है। तो जो हैंगसोंग है वो चीनी यात्री था, इसने अपनी यात्रा के दौरान अपनी यात्रा का जो वर्णन है अपनी पुस्तक सीयूके में किया था। किस में किया था? इसकी पुस्तक थी सीयू की, जिसमें इसने अपनी यात्राओं का वर्णन किया। इसमें कुल 72 देशों की यात्राओं के वर्णन 72 देशों की यात्राओं का वर्णन किया है, जिसमें से इसने भारत की विशेषताओं का भी बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से इसने उल्लेख किया है। यानी कि भारत की विशेषताओं का भी उल्लेख इसने अपनी पुस्तक सीयूके में किया है। और इन 72 देशों के अंदर इसने गुज्जर प्रदेश को किस नाम से उल्लेख किया है? कुचेलो के नाम से इसका उल्लेख किया था, इसकी राजधानी को कुचेलो के नाम से इसका उल्लेख किया और इसकी राजधानी पिलोमोलो को बताई है, पिलोमोलो को बताया गया, यानी कि भीनमाल को बताया है, भीनमाल को इसकी राजधानी बताया है। ओके, किसकी? कुचेलो, यानी कि गुज्जर प्रदेश की। और इसका उल्लेख हैंगसोंग ने अपनी पुस्तक सीयूकी के अंदर किया था। किस नाम से? कुचेलो के नाम से किया था। इसकी राजधानी पिलोमोलो यानी कि भीनमाल बताई गई है।